ये लाइन दिखा देता है हमारा नागा बदनाम किया आपने। शादाब क्रेवा है, ये दूर दराज इलाका है, ऐसे इलाके बहुत दूर दराज है, बहुत सारे इलाके भी हैं, इसीलिए इस ठंड की वजह से, ठंड कितनी कड़क की ठंड है उसके बावजूद भी हर एक आदमी वोट अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए निकला कि हमारी तमाम और तरक्की के लिए आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तरक्की के लिए वोट डाल रहे हैं, आपने शादाब क्रेवा में अच्छा कैंडिडेट चुनेंगे। आज से पहले हमें इस हमारे शादाब क्रेवा के टुकड़े हो चुके थे, लेकिन आज हम सब अपने तरक्की डेवलपमेंट के लिए सब इकट्ठा होके लेडीज़ और मर्द सब निकल के अपने गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना। आप अभी देख रहे होंगे कि जो यहां पे जो घर वाले हैं, बच्चे बच्चे लेके सब यहां पे लोग आए हुए हैं। इतनी कड़ाके की ठंड भी है और कोहरा भी लगा है, इसके बावजूद भी लोग यहां पे आए हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि हमारा जो मकसद है, जो हमने कैंडिडेट यहाँ पे उठाया है, वो इसलिए उठाया है कि हम अपने गांव की, अपना इलाका जो है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसकी डेवलपमेंट हो जाए। आज तक हमारे साथ सिर्फ आए, वादे किए और हमसे वोट लिए गए, लेकिन हमारी डेवलपमेंट कभी भी नहीं हुई है। आप इस एरिया की बात कीजिए, देखिए कितना पिछड़ा हुआ इलाका है। ये ही नहीं, इसके अलावा भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत से ऐसे हल्के हैं जो इन्होंने जो है उनके साथ सौतेली मांग का शुरू किया हुआ है। इसीलिए हमने सब मिल के ये फैसला किया कि हम वेल एजुकेट जो है यूथ वो हम उठाएंगे और इसका साथ देंगे और इसकी हेल्प करेंगे और इसको जितवाएंगे, ताकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ कलर सेकंड है, इसमें जो है डेवलपमेंट हो जाए और हर लिहाज से इसमें डेवलपमेंट हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे आए।